डिंडोरी में यौन शोषण और छात्रवास के बच्चों के साथ मारपीट के मामले की जांच करने पहुंचे राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो। प्रियंक ने कई मिशनरी स्कूलों की जांच की और पीड़िता बच्चों से बात की। उन्होंने बच्चों को यह भी आश्वासन दिया कि इस घिनौनी हरकत के खिलाफ जल्द से जल्द एक्शन लेकर वे बच्चों को न्याय दिलवाएंगे। डिंडौरी में मिशनरी स्कूलों में बच्चों के साथ मारपीट और यौन शोषण जैसी घिनौनी हरकतों को अंजाम दिया गया। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद राष्ट्रीय बाल आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो मिशनरी स्कूल पहुंचे और विद्यार्थियों से मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिलाते हुए कहा कि इस घटना के आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और बच्चों को इंसाफ मिलेगा। इसके साथ ही उन्होंने होली के मौके पर छात्र छात्राओं के साथ होली खेली। होली को दृष्टिगत रखते हुए मैं सभी जिले वासियों को पुलिस विभाग की ओर से बधाई देना चाहता हूँ, और साथ ही साथ ये मेरी अपील रहेगी कि शांतिपूर्वक इस त्यौहार को मनाएं, श्रद्धापूर्वक मनाएं, अनावश्यक रूप से केमिकल वाले रंगों का प्रयोग नहीं किया जाए। अबीर गुलाल से होली मनाएं मनाएं, और पानी की बचत हमारे लिए बहुत महती आवश्यकता है, पानी की बचत का भी ध्यान रखें, और शराब या अन्य नशीली पदार्थों के सेवन से दूर रहें। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।